नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राइस ब्रेकआउट के बारे में। दोस्तों, मुझे काफ़ी दर्शकों की रिक्वेस्ट मिलती है कि आप प्राइस ब्रेकआउट के बारे में हमें और बताइए। दोस्तों, यहाँ प्राइस ब्रेकआउट को फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से कुछ जो पॉपुलर या महत्वपूर्ण तरीके हैं उनकी चर्चा हम ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप प्राइस ब्रेकआउट को और किन टेक्निकल इंडिकेटर्स की सहायता से पता लगा सकते हैं और उसको किस तरीके से आप रीड कर सकते हैं, उस टेक्निकल इंडिकेटर को आप किस तरीके से रीड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्राइस है किसी भी स्टॉक का, जो प्राइस है वो उसकी मूविंग एवरेज के अराउंड मूव करता है। इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप 10 पीरियड की मूविंग एवरेज ले रहे हैं, 20 की ले रहे हैं, 50 की ले रहे हैं, 100 की ले रहे हैं, कितने भी पीरियड की आप मूविंग एवरेज ले रहे हैं किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, आपका स्टॉक का प्राइस हमेशा उस मूविंग एवरेज के अराउंड ही मूव करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट फाइंड आउट करने के लिए ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, जिसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो प्राइस जो कि मूविंग एवरेज के अराउंड मूव कर रहा है, ये कितना फ्लक्चुएट होता है उस मूविंग एवरेज से, मतलब उससे कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है। तो वो वॉलेटिलिटी या फ्लक्चुएशन आप कह लीजिए एक ही बात होती है। तो मूविंग एवरेज बेसिकली आपको ट्रेंड बताता है स्टॉक के बारे में, लेकिन वो जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज से कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, कितना वॉलेटाइल है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, वो बेसिकली क्वांटिफाई करता है कि कितना फ्लक्चुएट हो रहा है प्राइस मूविंग एवरेज के मुकाबले, या उसके अंदर कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो दोस्तों, प्राइस ब्रेकआउट को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये जो मूविंग एवरेज के अराउंड उसकी मूवमेंट है या फ्लक्चुएशन है या वॉलेटिलिटी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस फ्लक्चुएशन को समझने के लिए आपके पास कई सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल होते हैं। उसके अंदर दोस्तों, जो कॉमन इंडिकेटर होते हैं, अगर हम ब्रॉडर क्लासिफिकेशन करें तो वहाँ पर तीन तरह के इंडिकेटर होते हैं, तीन टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं। चैनल्स होते हैं, चैनल इंडिकेटर होते हैं, बैंड्स होते हैं जिसके अंदर बॉलिंगर बैंड है, मैं एग्जांपल आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, या एनवलप होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तीनों चैनल, बैंड या एनवलप ये क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, आप किसका इस्तेमाल प्राइस ब्रेकआउट को फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं, कौन सा इनमें से रिलायबल है, कौन सा रिलायबल नहीं है, तो इन सभी बातों की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आप भी फ्री में स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकें। जो जानकारी, जो नॉलेज आपको पेड कोर्सेज के अंदर 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपए की फ़ीस लेके दी जाती है, उससे 100 गुना बेहतरीन जानकारी आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगी, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो दोस्तों, इस जानकारी को पाने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि चैनल, बैंड और एनवलप के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसके अंदर कितने प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं। उसके लिए हम चलते हैं अपनी फेवरेट वेबसाइट investing.com पे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने वेदांता का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है, और जैसा कि मैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में कल आपको बता चुका हूँ कि वेदांता के ऊपर जो है मेरी एक वॉच है, या कह लीजिए कि इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो आज हम इसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, चैनल, बैंड और एनवलप के बारे में विस्तार से चर्चा करने से पहले जान लेते हैं कि इनका महत्व क्या होता है। एक महत्व मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इससे आप क्वांटिफाई कर सकते हैं कि फ्लक्चुएशन कितनी हो रही है मूविंग एवरेज के अराउंड। दोस्तों, दूसरा बेनिफिट होता है कि आप इनकी सहायता से ब्रेकआउट के बारे में पता लगा सकते हैं कि प्राइस ब्रेकआउट कैसे होगा, कब होगा, ऊपर की तरफ होगा, प्राइस ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा। पर जो हम नॉर्मली हम चर्चा करते हैं, वहाँ पे हम ब्रेकआउट का मतलब ये लेते हैं कि जो भी स्टॉक एक नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, उसका किसी दिशा में एक शार्प मूव आएगा, तो उसको हम ब्रेकआउट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इस शब्द को। अगर वो नीचे की तरफ जाए तो टेक्निकली उसको ब्रेकडाउन कहते हैं, ऊपर की तरफ जाए तो ब्रेकआउट होता है। लेकिन सिंप्लिसिटी पर्पज़ के लिए हम बैंड, चैनल या एनवलप की सहायता से ब्रेकआउट भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों हम ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई चैनल बैंड या एनवलप बनाया है किसी टेक्निकल इंडिकेटर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर की बाउंड्री के आसपास ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब ट्रेंड बुलिश है, नीचे की लाइन की नज़दीक ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब ट्रेंड बियरिश है। दोस्तों इसका अगला फायदा होता है कि आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई चैनल बैंड या एनवलप बना रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपना टारगेट या स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने बॉलिंगर बैंड वाले वीडियोस में भी बताया था कि अगर मान लीजिए स्टॉक जो है नीचे की बाउंड्री की तरफ ट्रेड कर रहा है, वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का आपको सिग्नल मिलता है, तो वहाँ पे जो उसका अपर बाउंड्री होती है आप वहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हैं, या स्टॉप लॉस जो है आप जो नीचे की बाउंड्री है उससे 1 या 2 रुपये, अगर मान लीजिए 200 या 250 रुपये का स्टॉक है तो 2 या 3 रुपये नीचे उसका स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं। पर वो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, वो कितना वॉलेटाइल है। तो दोस्तों ये थे 3-4 फायदे अगर आप चैनल बैंड या एनवलप टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर कई तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी चर्चा अब हम एक एक करके करेंगे। तो दोस्तों पहली टाइप है प्राइस चैनल। दोस्तों यहाँ प्राइस चैनल के अंदर जैसे कि आपको फाइंड आउट अगर करना है कितने प्रकार के चैनल इंडिकेटर्स होते हैं, तो आप यहाँ इन्वेस्टिंग पे सिंपल चैनल टाइप करिए तो आपको दिख जाएगा प्राइस चैनल, कैल्टनर चैनल्स, डॉन्चियन चैनल्स, कॉमोडिटी चैनल इंडेक्स, मूविंग एवरेज चैनल। तो ये कई प्रकार के इंडिकेटर यहाँ अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे चैनल का मतलब जो कॉमनली यूज़ किया जाता है निवेशकों के द्वारा या ट्रेडर्स के द्वारा, वो केवल प्राइस चैनल होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ प्राइस चैनल को प्लॉट कर लिया है अपने चार्ट के ऊपर। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ 3 लाइन आपको दिखेंगी। आप नीचे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक ऊपर की लाइन है, एक बीच की लाइन है, एक नीचे की लाइन है। आप यहाँ पे सेटिंग्स पे भी जाके देख सकते हैं कि हम किस पीरियड को यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो ऊपर की लाइन है इसको हाई प्राइस लाइन कहा जाता है, जो बीच की लाइन है उसको सेंटर प्राइस लाइन कहा जाता है, और जो नीचे की लाइन है उसको लो प्राइस लाइन कहा जाता है। और यहाँ पे जो 20 है ये 20 पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि हमारा डेली चार्ट है तो पिछले 20 दिन का यहाँ पे डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप एक ट्रेंड पता लगा सकते हैं, तो जैसा कि आपने देखा कि वेदांता ने एक्चुअली मूवमेंट तो दिखाई है यहाँ पे ऊपर की तरफ। काफ़ी दर्शकों ने मुझसे पूछा कि क्या यहाँ पे हमें बाय कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आप प्राइस चैनल को देखेंगे, प्राइस चैनल आपको इशारा कर रहा है कि इस समय अभी कोई बाय सिग्नल नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको कल वाले लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर भी कहा था कि अभी मुझे बाय सिग्नल नहीं दिखा है। तो यहाँ पे हम अगर चैनल की बात करें तो यहाँ ऊपर की जो लाइन है दोस्तों, ये जो आपको दिखा रही है यहाँ पे, आप देखेंगे इसकी वैल्यू इस समय कुछ 236 रुपये 20 पैसे के आसपास है। तो ये आपको बताती है हाईएस्ट हाई पिछले 20 दिन के अंदर, मतलब पिछले 20 दिन का हाईएस्ट हाई क्या है। तो दोस्तों ये क्या करता है कि पिछले 20 दिन का डेटा उठाता है, उसके अंदर जो हाईएस्ट जो प्राइस पॉइंट होता है ये लाइन उसको दर्शाती है। उसके बाद दोस्तों जो नीचे की लाइन है वो लोएस्ट लो दिखाती है, पिछले 20 पीरियड का लोएस्ट लो वैल्यू क्या है। और जो सेंटर लाइन है दोस्तों वो बीच की सेंटर वैल्यू, या जिसको कह लीजिए कि एवरेज वैल्यू बताती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस समय स्टॉक का प्राइस किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे आप ट्रेंड के तौर पे ये देख सकते हैं कि जो ये प्राइस चैनल है ये किस तरीके से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये स्टॉक बेसिकली एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के अंदर है, और यहाँ पे पिछले 2 दिन का डेटा महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसकी सेंटर लाइन है या जो सेंटर प्राइस लाइन है उसका प्राइस है 218 रुपये 42 पैसे। तो ये ऊपर वाली लाइन और सेंटर लाइन के बीच में एक्चुअली ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेड कब बनता है। दोस्तों ट्रेड तब बनता है जब स्टॉक का प्राइस ऊपर वाली लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला जाए, मतलब उस लाइन को क्रॉस करके उसके ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि मैं अभी कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ इस स्टॉक के अंदर, तो मेरा यहाँ पे अगर मैं केवल प्राइस चैनल के ऊपर इसके ऊपर ट्रेड करूँ तो मैं यहाँ पे बाय तभी करूँगा अगर मैं मान लीजिए आज का डेटा देखता हूँ, जब तक ये 236 रुपये 20 पैसे के प्राइस पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा, उसको नहीं तोड़ेगा, तब तक यहाँ पे कोई भी बाय सिग्नल नहीं बनता है। तो दोस्तों सेल सिग्नल के लिए अगर मान लीजिए ये नीचे वाला जो इसका लेवल है, नीचे वाली जो लाइन है 200 रुपये 65 पैसे, जब तक वो इसको तोड़ के नीचे नहीं जाता तब तक कोई सेल सिग्नल नहीं बनता। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब तक वो इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है तब तक प्राइस चैनल के हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं बनता। तो यहाँ पे इसके लिए ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको तोड़ना ज़रूरी है, तब तक हमें कंफर्म नहीं होगा कि यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड है।
तो जब वो नीचे की लाइन तोड़ देगा तब तक हमें कंफर्म नहीं होगा कि यहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल तरीका है इसके अंदर प्राइस चैनल की सहायता से ट्रेड करने के लिए। और यहाँ पे प्राइस चैनल की सहायता से जो है नॉइस काफ़ी कम रहता है, आपको बहुत कम सिग्नल मिलेंगे बाय या सेल के, लेकिन जो भी सिग्नल मिलेंगे वो एक्चुअली बहुत अच्छे सिग्नल मिलेंगे और वहाँ पर आपको एक अच्छा ट्रेड जिसको कह लीजिए कि मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप पीछे के पास्ट के डेटा के ऊपर भी जाके देख सकते हैं कि जब जब इसने नीचे की लाइन को तोड़ा है, जैसे यहाँ पे 273 रुपये था, तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं 270 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे नीचे की लाइन जो थी वो आप देख सकते हैं 270 के आसपास थी, तो इसने इसको तोड़ के नीचे आ गया। उसके बाद आप देखिए ये कितना बढ़िया इसके अंदर एक डाउन ट्रेंड दिखा और लगभग 60-70 रुपये की मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिली होगी। तो आप जिस भी टेक्निकल इंडिकेटर का इस्तेमाल करें उसको बैक टेस्ट ज़रूर कर लीजिए, पेपर ट्रेडिंग ज़रूर करिए, केवल पास्ट के डेटा के बेसिस के ऊपर ट्रेड मत करिए, क्योंकि कई दर्शक कहते हैं कि पास्ट का डेटा हमेशा ठीक दिखता है। हो सकता है आप सही भी हों, लेकिन यहाँ पे अब चार्ट्स जो बता रहे हैं हम उसको देख के अगर कहें तो यहाँ पे पास्ट का जो डेटा है वो एक आपको सही सिग्नल दे रहा है, उसने सही बताया कि स्टॉक के अंदर एक ब्रेकडाउन हो चुका है और उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर एक बहुत अच्छा सेल ट्रेड बना था। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल सी टेक्निक है, बाय सिग्नल तब बनता है जब वो अपर लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, सेल सिग्नल तब बनता है जब वो नीचे की लाइन जो लोअर लाइन होती है या लोअर प्राइस लाइन है उसको तोड़ के नीचे चला जाता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं एनवलप्स की। तो यहाँ पे इस इंडिकेटर को हम हटा देते हैं, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे एनवलप इंडिकेटर, तो यहाँ केवल एक ही इंडिकेटर होता है एक्चुअली, क्योंकि स्टैंडर्ड इंडिकेटर है, इसके और कोई वर्जन अवेलेबल नहीं है। दोस्तों यहाँ पे इसको परसेंटेज एनवलप भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस इंडिकेटर के अंदर जो ये आपकी मूविंग एवरेज है या जो बीच की लाइन है, उसके बाद जो ये ऊपर या नीचे की लाइन है ये फिक्स्ड रहती है, मतलब ये विड्थ जो है ये फिक्स रहती है। ये विड्थ फिक्स क्यों रहती है दोस्तों? क्योंकि एनवलप इंडिकेटर के अंदर आप एक परसेंटेज जो सिंपल मूविंग एवरेज इस समय चल रही है जितने भी पीरियड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 पीरियड की यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज ली गई है और इसके अंदर 10% की मूवमेंट यहाँ पे कंसीडर की गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पर्सनली यहाँ पे 5% की मूवमेंट को देखता हूँ अगर मुझे देखना होता है, क्योंकि 10% के ऊपर आपको ज़्यादा कुछ सिग्नल्स वगैरह नहीं मिलते। दोस्तों यहाँ होता क्या है कि जो आपकी सिंपल मूविंग एवरेज है उसके अंदर 5% वैल्यू ऐड कर दी जाएगी तो आपकी ऊपर वाली लाइन बन जाएगी, उसी के अंदर 5% वैल्यू डिक्रीज माइनस कर दी जाएगी तो नीचे की लाइन यहाँ पे बन जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो बाउंड्रीज हैं जैसा कि मैंने आपको बताया फिक्स रहती हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है एनवलप जो आपका टेक्निकल इंडिकेटर है, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी को कैप्चर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे आपकी विड्थ जो है वो फिक्स्ड है, तो आप कभी भी ये नहीं पता लगा पाएंगे कि हाँ वॉलेटिलिटी या फ्लक्चुएशन कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, जैसा कि आपको चैनल के अंदर पता लग सकता है। वहाँ पे अगर विड्थ कम हो जाए चैनल की तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी कम हो रही है, विड्थ बढ़ जाए तो इसका मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। उसी तरीके से बॉलिंगर बैंड के अंदर भी विड्थ अगर कम हो जाए तो इसका मतलब वॉलेटिलिटी कम हो रही है, विड्थ बढ़ जाए तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए ये जो है वॉलेटिलिटी को एक्चुअली कैप्चर नहीं करता, पर इसका एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है एनवलप इंडिकेटर का, जिसको मैं एक आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल आप किस दूसरे इंडिकेटर या सेटअप के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे चाहे आप चैनल का इस्तेमाल करें, बैंड का इस्तेमाल करें या एनवलप का इस्तेमाल करें, इनको आप स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई इनके साथ कोई ना कोई और टेक्निकल इंडिकेटर, टेक्निकल जिसको कह लीजिए सेटअप या ट्रेडिंग सिस्टम की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। ये केवल एक सपोर्टिंग जिनको कह लीजिए इंडिकेटर्स हैं, ये अपने आप में ट्रेडिंग सिस्टम या ट्रेडिंग सेटअप नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रेड बनता है अगर आप इसके बेसिस के ऊपर ट्रेड करें, जो रूल हमने प्राइस चैनल के ऊपर फॉलो किया, अगर स्टॉक का प्राइस इसको तोड़ के नीचे आ जाता है लोअर लाइन को तो आप देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड बनता है, और अगर मान लीजिए अपर लाइन को तोड़ के चला जाता है ऊपर तो एक अप ट्रेंड बनता है, जो कि एक सिंपल सा रूल यहाँ पे आप देख सकते हैं। पर कभी कभी ये फेल भी हो जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर वाले जो लाइन है उसको तोड़ के ऊपर चला गया लेकिन अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने कहा कि एनवलप जो है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल तरीका नहीं है,
और इसका एक अपना महत्व है जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों तीसरा होता है बैंड। बैंड के अंदर अगर आप सर्च करेंगे तो केवल एक बॉलिंगर बैंड होता है और जिसके बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। तो बॉलिंगर बैंड जो है उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियोज़ भी बनाया है, तो उसके ऊपर हम कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप मेरे बॉलिंगर बैंड से संबंधित वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज के ऊपर यहाँ सर्च आइकन है, तो आप यहाँ पे बॉलिंगर टाइप करिए और उसके बाद जब आप सर्च करेंगे दोस्तों तो आपको मेरे बॉलिंगर बैंड्स के ऊपर जो भी वीडियोस हैं वो सब वीडियोस आपको दिख जाएंगे। इसके ऊपर हम बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे बॉलिंगर बैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपकी जो फ्लक्चुएशन या वॉलेटिलिटी है उसको अच्छे से कैप्चर करता है। इसके अंदर जो विड्थ है, जो उस बैंड की विड्थ है, वो वेरिएबल है। मतलब जब वो स्टॉक एक नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा होता है तो ये विड्थ कम हो जाती है, जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो ये विड्थ बढ़ जाती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं विड्थ बढ़ गई, और कुछ केसेस के अंदर पास्ट में है, क्योंकि वेदांता जो है काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है तो आपको यहाँ शायद नैरो रेंज ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस पोर्शन में आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैं अपने पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो आप मेरे बॉलिंगर बैंड से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं अगर आप बॉलिंगर बैंड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने चर्चा करी कि आप चैनल, बैंड और एनवलप, ये जो तीन तरह के टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, इनकी सहायता से आप प्राइस ब्रेकआउट के बारे में पता लगा सकते हैं। इन तीनों का अपना अपना अलग महत्व है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि तीनों काम कैसे करते हैं। तो सिंप्लिसिटी पर्पज़ के लिए मैं फिर बता देता हूँ कि आपका जो प्राइस चैनल है वो बेसिकली प्राइस एक्शन को कैप्चर करता है कि पिछले जितने भी पीरियड का आप डेटा ले रहे हैं वहाँ टेक्निकल इंडिकेटर में उसका हाईएस्ट हाई क्या है, लोएस्ट लो क्या है। तो अगर आप प्राइस एक्शन के खिलाड़ी हैं तो आप प्राइस चैनल को यूज़ कर सकते हैं। एनवलप जो है वो परसेंटेज लेता है, जो कि इतना पॉपुलर तरीका नहीं है, और जो बॉलिंगर बैंड है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों इसके बारे में आप और स्टडी कर सकते हैं और बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो आने वाले समय में मैं और वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ प्राइस ब्रेकआउट से संबंधित। तो आज की इस वीडियो में मेरा ऑब्जेक्टिव केवल आपको चैनल, बैंड और एनवलप के बीच में डिफरेंस बताना था और इन इंडिकेटर्स का क्या मतलब होता है, क्या पर्पस होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है और किस तरीके से ये काम करते हैं वो बताना था, ताकि हम आने वाले वीडियोज़ में जब हम इन इंडिकेटर्स के बारे में और चर्चा करें तो आपको बेसिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। इस वीडियो का विषय यदि आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो के नीचे दिखाए गए लाइक आइकन को क्लिक कर सकते हैं, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको कौन से वीडियोज़ देखने पसंद हैं, कौन से वीडियोज़ आपको पसंद नहीं आते। दोस्तों ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाया था। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपकी स्क्रीन पे इस समय आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने जिस भी स्टॉक की चर्चा की है वो सिर्फ एक एग्जांपल और रेफरेंस के तौर पे है। यहाँ पे मेरी आपको कोई भी सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में बाय सेल या होल्ड की पोजिशन बनाएं। किसी भी निवेश से पहले आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें, केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह का निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।